आप सभी का मैं इस लेक्चर प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो लेक्चर प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसका टाइटल इस प्रकार है, 11 लाइफ सुपरस्टार्स क्वालिटीज। दोस्तों, मैंने मेरे जिंदगी में करीब 250 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की हुई है। दोस्तों, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाके, कई सारे ग्रुप्स के लिए, कई सारे इंडिविजुअल्स के लिए मैं सेलिंग स्किल्स के लेक्चर प्रोग्राम्स ये कंडक्ट करता हूं। दोस्तों, सेल्स ये मेरा पैशन है, कई सारे सालों से मैं सेल्स में हूं और कई सारे सालों से मैं सेलिंग स्किल्स ये सिखा रहा हूं। दोस्तों, मेरे इस सेल्स इंटरव्यू के दौरान मैंने करीबन 250 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की हुई है। कई सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, कई सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ, सीईओ के साथ, एग्जीक्यूटिव्स के साथ मैंने काम किया हुआ है, कई सारे सक्सेस माइंडेड मैनेजर्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। और दोस्तों, इन सभी का मैंने जब स्टडी किया तब मुझे ये पता चला कि जिंदगी में अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में एक्सलेंस को, सक्सेस को अचीव करने के लिए कुछ क्वालिटीज होने जरूरी है। इन सब के स्टडी से दोस्तों एक पैटर्न, क्वालिटीज का एक पैटर्न उभरने लगा और उसमें से 11 क्वालिटीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, जहां पे मैंने जो नंबर भी दिए हैं वो रैंडम नंबर है, ऐसा नहीं है कि पहली क्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 11वीं क्वालिटी ये कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। सभी क्वालिटीज ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वालिटीज को हमारे में डेवलप करना है और अपने जिंदगी में पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में एक्सलेंस को, सक्सेस को अचीव करना है। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं ऐसी कौन सी 11 क्वालिटीज हैं जो सुपरस्टार, जो जिंदगी के सुपरस्टार्स होते हैं, जो जिंदगी में जीतते हैं, सक्सेस को अचीव करते हैं, ऐसे जो जिंदगी के सुपरस्टार होते हैं, लाइफ के सुपरस्टार होते हैं, उनकी 11 क्वालिटीज हम लोग अभी देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप पेन और पेपर लेके बैठिए और जो क्वालिटीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आप जरूर उसको नोट्स के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि दोस्तों ध्यान में रखिए, लिखने से एंकरिंग द थॉट होता है, अपने ख्याल को एक जड़ मिलती है। और इसके लिए दोस्तों आप भी नोट्स ये लिखिए। और दोस्तों, आइए हम लोग अभी देखते हैं 11 लाइफ सुपरस्टार्स क्वालिटीज, जिंदगी में जो सुपरस्टार्स बने उनकी कौन सी 11 क्वालिटीज है अभी हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो पहली लाइफ सुपरस्टार्स क्वालिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो इस प्रकार है, द क्वालिटी ऑफ कर्टसी। दोस्तों, कर्टसी को हम विनम्रता या नम्रता भी कह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि एज वी ग्रो अप We may give up। इसका मतलब ऐसा है कि कई लोग जब आगे बढ़ते हैं, सक्सेस को अचीव करते हैं, वो उनकी अच्छी क्वालिटीज ये गमा सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये नहीं होना है तो हमें विनम्रता, कर्टसी, नम्रता को डेवलप करना बहुत जरूरी है और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरे एक गुरु कहते थे कि बड़ा आदमी कभी कहता नहीं मैं बड़ा हूं और छोटा कभी कहता नहीं मैं छोटा हूं। और इसके लिए दोस्तों विनम्रता, नम्रता होनी बहुत जरूरी है। नम्रता से सामने वाले को रिस्पेक्ट मिलता है और ध्यान में रखिए, रिस्पेक्ट देने से ही रिस्पेक्ट मिलता है। और इसके लिए दोस्तों आप हमेशा कर्टसी और नम्रता से बिहेव करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने ये देखा हुआ है, कई सारे सक्सेसफुल लोगों को मैंने नजदीक से जब देखा तो बहुत सक्सेस के बावजूद भी वो बहुत विनम्र होते हैं, बहुत नम्र होते हैं। नम्रता की एक ऐसी भी डेफिनेशन हो सकती है कि हमारे सामने जो भी इंसान आए उस इंसान को अपने इतना ही समझना या अपने से बड़ा समझना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, उनके पैर छूना, यह भी कर्तव्य की एक निशानी है। अपने बातों में नम्रता ये झलकनी बहुत जरूरी है। हमारी हर बॉडी लैंग्वेज से और हमारे हर बिहेवियर से सामने वाले के प्रति एक रिस्पेक्ट, एक नम्रता प्रतीत होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसा भी समझते हैं कि मेरे नम्रता को मेरी कमजोरी मत समझना और मेरे प्यार को मेरी मजबूरी ना समझना। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जो लोग आपके लव को, आपके रिस्पेक्ट को ये कमजोरी मानते हैं या आपकी नम्रता को आपकी मजबूरी मानते हैं,
ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, आप सक्सेस माइंडेड प्रोग्रेसिव लोगों के साथ दोस्ती करिए, एक अच्छा ग्रुप बनाइए, और नम्रता के वजह से अच्छा ग्रुप, अच्छी टीम बनने में भी बहुत सहायता होती है। तो इसके लिए दोस्तों नम्रता ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, और हमें हमारे जीवन में नम्र रह के, विनम्र रह के, बड़ों का आदर करके, लोगों से सीख के हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। नम्रता से और एक चीज होती है, और वो ये है कि मिसफायरिंग जो होती है, कम्युनिकेशन ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और कई बार आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो बराबर से कम्युनिकेट नहीं होता, लेकिन अगर आप नम्र हो तो ये कम्युनिकेशन की जो मिसफायर है ये भी बहुत मिनिमम रहती है, और आप रिगेन कर सकते हो आपके लॉसेस को, आप वापस जोड़ सकते हैं लोगों को। और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए, दोस्ती बनाने का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है कि आप नम्र रहे, आप विनम्र रहे। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, लाइफ सुपरस्टार्स की क्वालिटी है। मैंने देखा हुआ है कई सारे सक्सेसफुल लोगों को, और मैं आने वाले जमाने में भी सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करने वाला हूं, और मैंने ये देखा हुआ है जो लोग अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो नम्रता की वजह से बहुत आगे बढ़ते हैं, विनम्रता की वजह से बहुत आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, करेक्टसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सुपरस्टार। दोस्तों जो अगली क्वालिटी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो इस प्रकार है। अगली क्वालिटी, ये एक्चुअली दो क्वालिटियां साथ में आके बनती है, और जिसे हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। दोस्तों जो लोग अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं, जो अपने जिंदगी में सुपरस्टार बनते हैं, अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में एक्सलेंस को अचीव करते हैं, इन लोगों में एक क्वालिटी होती है, और वो है परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का यूनिक कॉम्बिनेशन। दोस्तों परसिस्टेंसी का ऐसा मतलब है एक चीज पूरी होने तक उस चीज को लगातार करते रहना, इसे परसिस्टेंसी कहेंगे, या जिसे हम लोग अंटिल दिस कंप्लीट्स आई विल कंटिन्यू और आई विल गो अहेड। तो परसिस्टेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी परसिस्टेंसी का एक और रूप है जिसे हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार हर रोज एक चीज करना। दोस्तों ऐसा कहते हैं, सक्सेस इज नॉट व्हाट यू डू बट व्हाट यू डू रेगुलरली। दोस्तों सक्सेस वो चीज है जो आप रेगुलरली करके अचीव करते हैं। तो दोस्तों एवरीडे ये बहुत जरूरी है, और मैंने देखा हुआ है कई लोग जो सक्सेस को अचीव करते हैं वो बहुत ही परसिस्टेंस होते हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं। वो सिर्फ आईसाइट के ऊपर भरोसा नहीं रखते, वो माइंड साइट के ऊपर भी भरोसा रखते हैं, और अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन का यूनिक कॉम्बिनेशन करके जिंदगी में अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। दोस्तों ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जो इंसान परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होते हैं वो बहुत सारी मुसीबतों को भी फेस करते हैं, बहुत सारे फेल्यूर को भी फेस करते हैं, और फेल्यूर को एक डाटा की तरह, फेल्यूर को एक इंफॉर्मेशन की तरह यूज करते हैं और कोर्स करेक्शन करते हैं, और अपने सक्सेस के राह पर, कोर्स पर वो वापस आ जाते हैं। वो फेल्यूर को सीखने का एक मौका है ऐसा समझते हैं, और अपने स्किल्स को बढ़िया बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी ये भी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने का एक बहुत बड़ा गुण है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। दोस्तों कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी का और एक मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जिंदगी में जो भी मुश्किल आते, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे सीख के, पास से सीख के, प्रेजेंट में बढ़िया देके, फ्यूचर में एक्सेल करने की प्रवृत्ति, इसे भी हम लोग परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी कहेंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जो लोग परसिस्टेंट होते हैं, जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, वो अपनी खुद की गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि दोस्तों ध्यान में रखिए, ऐसा कहते हैं, To err is a human, to forgive is divine, but to accept is courage. दोस्तों ऐसा कहते हैं कि गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, गलतियों को माफ करना ये बड़प्पन की निशानी है, लेकिन गलतियां एक्सेप्ट करना ये धैर्य की काम है, ये बहुत बड़ी धीरज की काम है। तो दोस्तों जो सक्सेसफुल लोग होते हैं
वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, अपने एरर को सुधारते हैं, नए स्किल्स को डेवलप करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इट इज नॉट ब्लोइंग ऑफ द विंड बट इट इज सेटिंग ऑफ द सेल। ये सिर्फ बाहर की परिस्थितियों में अवलंबन नहीं है, इन परिस्थितियों को हम कैसे फेस करते हैं इसके ऊपर ये चीज अवलंबन होती है। और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए, जो लोग कंसिस्टेंट और परसिस्टेंस होते हैं वो अपने जिंदगी में सुपरस्टार सक्सेस को अचीव करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक्सलेंस को अचीव करते हैं। दोस्तों जो अगली लाइफ सुपरस्टार क्वालिटी है और वो इस प्रकार है, कंट्रीब्यूशन या वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग एक्सेलेंस को अचीव करते हैं, वो अपने औकात से दूसरों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएशन की कोशिश करते हैं, कभी अच्छी बातें करके, कभी सपोर्ट करके, अपने औकात से कॉन्ट्रीब्यूट करके ये पॉजिटिव बदलाव दूसरों के जीवन में लाते हैं। और इसके लिए दोस्तों ये देखा गया है, सक्सेस माइंडेड लोग जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं, ये दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करके सहायता करते हैं। दोस्तों सेल्स में हम लोग ऐसा कहते हैं, प्रोफेशनल सेल्स प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो 10 गुना जनरेट करते हैं और उससे एक गुना लेते हैं। 1:10 इज द गोल्डन रेशियो ऑफ सेल्स। दोस्तों अगर कोई सेल्स प्रोफेशनल एक पार्ट ये लेता है अपना प्रोफेशनल फीस या अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो लेता है, तो उससे 10 गुना कंट्रीब्यूशन वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम से कम पैदा करता है। और इसके लिए दोस्तों 1:10 इज द गोल्डन रेशियो ऑफ सक्सेस, जिसे हम लोग हनी बी पॉलिसी भी कहेंगे। जैसे मधुमक्खी नेक्टर लेती है और जिससे नेक्टर लेती है उस वृक्ष का भी पॉलिनेशन करती है, परागण करती है, उस वृक्ष को बहुत फल फूल पौधे लगे इसके लिए कोशिश करती है। तो ध्यान में रखिए 1:10 इज अ गोल्डन रेशियो। और सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो अपने एक्टिविटी से, अपनी बातों से ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिस वजह से औरों के पर्सनल प्रोफेशनल एंड फैमिली एंड सोशल लाइफ में उन्हें एक्सेलेंस अचीव करने में भी बहुत सपोर्ट होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, वैल्यू क्रिएशन कंट्रीब्यूशन इनटू अदर्स लाइफ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी क्वालिटी है। और जो लोग अपने जिंदगी में पर्सनल प्रोफेशनल फैमिली एंड सोशल लाइफ में एक्सेलेंस को अचीव करते हैं वो लोग पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनकी बातों में पॉजिटिविटी होती है, वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लाइफ सुपरस्टार्स की। और इसके लिए दोस्तों ये क्वालिटी भी हमें हमारे में डेवलप करनी है। वो इस प्रकार है, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। दोस्तों हमें जो बॉडी ईश्वर ने या नेचर ने दी है ये बहुत ही यूनिक ऐसी बॉडी है, कई करोड़ों साल के इवोल्यूशन से ये ह्यूमन बॉडी ये पैदा हुई है। और इसके लिए दोस्तों जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं वो अपनी बॉडी का भी बढ़िया से बढ़िया ख्याल रखते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है,
योगा जैसे एक्सरसाइज है, मार्शल आर्ट जैसे एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है। मेंटली भी फिट होना बहुत जरूरी है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में यूनिक कॉम्बिनेशन रखना जरूरी है, अच्छा म्यूजिक सुनना, पॉजिटिव स्टेटमेंट अफर्मेटिव स्टेटमेंट खुद से दोहराना, पॉजिटिव खुद से बातें करना, सेल्फ टॉक खुद का जो है वो पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक होना ये भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ये भी जिंदगी में जो लोग सक्सेस को अचीव करते हैं वो मेंटेन करते हैं। दोस्तों मेनली तीन टाइप के एक्सरसाइज होते हैं, स्ट्रेच, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। अब ऐसा एक्सरसाइज पैटर्न ये डेवलप करिए, ये तीनों टाइप उसमें समाये हुए हो। एट द सेम टाइम फल फ्रूट्स खाने भी बहुत जरूरी है। अगर आप तीन अलग कलर के फ्रूट्स ये पूरे दिन में खाते हैं 3 times a day तो आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइटलिटी मिलेगी। अच्छे न्यूट्रिशियस फूड को खाना, जंक फूड को अवॉइड करना, खुद को मेंटली एंड फिजिकली फिट रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं और उस बिजीनेस की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छा रीजन नहीं है, ये बहुत ही एक खुद को डिप्रेस करने जैसा रीजन है। और इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने बहुत जरूरी है, खुद के फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्तों के साथ आप आपके सुख दुख बांटिए जिससे कैथारसिस होता है, अपने भावनाओं को लेआउट मिलता है। तो अपने अच्छे ग्रुप के साथ, सक्सेस माइंडेड ग्रुप के साथ रहना बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्तों के साथ रहना बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है दोस्तों, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग एक्सलेंस को अचीव करते हैं, जो लोग लाइफ के सुपरस्टार होते हैं, वो लोग फिजिकली एंड मेंटली ये खुद को बहुत बढ़िया रखते हैं। अच्छा म्यूजिक आप सुन सकते हैं, अच्छी बातों को सुन सकते हैं, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सेल्फ टॉक कर सकते हैं, और पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव रह के अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका और एक मतलब ऐसा है, दूर व्यसनों से, गलत जो चीजें हैं, मावा, अल्कोहल ड्रिंकिंग जैसी चीजें हैं, मावा खाने जैसी चीजें हैं, या जैसे गुटखा खाने जैसी चीजें हैं, ये सब जो चीज है जिसे सेल्फ डिफ्लेटिंग बिहेवियर कहते हैं, खुद का विनाश करने जैसा ये जो बिहेवियर है उससे दूर रखना बहुत जरूरी है, अपने फ्रस्ट्रेशन को फैसिनेशन में बदलना बहुत जरूरी है। और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए, खुद को अच्छी आदतें लगा के, खुद को एक्सरसाइज की आदतें लगा के, खुद के माइंड को फ्रेश करके जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है दोस्तों, जो लोग ये सक्सेस माइंडेड होते हैं, जो लोग अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में एक्सलेंस को अचीव करते हैं, वो मेंटली और फिजिकली ये फिट रहते हैं और अपने जिंदगी में एक्सलेंस को अचीव करते हैं। जो अगली क्वालिटी है लाइफ सुपरस्टार्स की वो इस प्रकार है, हाई एफबीसी, सीबीसी या एनबीसी। दोस्तों हाई एफबीसी का मतलब है फ्रस्ट्रेशन बेरिंग कैपेसिटी, सीबीसी का मतलब है क्रिटिसिज्म बेरिंग कैपेसिटी, और एनबीसी का मतलब है नो बेरिंग कैपेसिटी। दोस्तों जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो ना को सहने की उनमें बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, ना को सह के भी वो अपने एफर्ट्स को ये कंटिन्यू रख पाते हैं, अपने इंथुजियाज्म को ये बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को ये बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए, पीपल से यू नो एन ओ नो बिकॉज मेनी अ टाइम पीपल डोंट नो यू KNOW। और इसके लिए दोस्तों जब आप नॉलेज को KNOW नो को बढ़ाते हैं तो NONO ये कम हो जाता है। और इसके लिए दोस्तों जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ना को बहुत पर्सनली नहीं लेते, रिजेक्शन को बहुत पर्सनली नहीं लेते, NONO का नेक्स्ट वन ऐसा वो मतलब निकाल सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए, जो लोग अपने जिंदगी में पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो रिजेक्शन को ये पॉजिटिवली लेते हैं, ना को वो पॉजिटिवली लेते हैं, ना को वो खुद को बेहतर बनाने का मौका है ऐसा समझते हैं, वो फेलियर को एक फीडबैक की तरह लेते हैं और अपने जिंदगी में कोर्स करेक्शन करके अपने सक्सेस के राह पर आगे बढ़ते हैं।
ना तो वो अपॉर्चुनिटी समझते हैं खुद को बेहतर बनाने की, ना तो वो एक इस प्रकार से एक ऐसा डाटा समझते हैं जिस वजह से उनके स्किल्स को ये शार्प किया जा सके। और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए, परिस्थितियां कैसे भी हो, हम परिस्थितियों को पॉजिटिवली और प्रोग्रेसिवली अगर फेस करते हैं तो हम लोग हमारे जिंदगी में सक्सेस और प्रोग्रेस को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जो लोग अपने जिंदगी में सुपरस्टार बने, जो लोग लाइफ के सुपरस्टार बने, उनके पास ना को सहने की ये बहुत बड़ी एबिलिटी होती है। अपमान को, फ्रस्ट्रेशन को वो सह के अपने एफर्ट्स को बरकरार रख सकते हैं, अपने जिंदगी में एक्सेलेंस को अचीव कर सकते हैं और मुश्किलों से सीख के जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, हाई फ्रस्ट्रेशन बेरिंग कैपेसिटी, हाई क्रिटिसिज्म बेरिंग कैपेसिटी, हाई लूप बेरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सक्सेस माइंडेड पीपल एंड प्रोग्रेसिव पीपल। दोस्तों जो अगली लाइफ सुपरस्टार क्वालिटी है वो इस प्रकार है, सेल्फ मोटिवेशन। दोस्तों कई सारे ग्रुप्स, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे इंडिविजुअल्स मुझे सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक सिखाने के लिए भी बुलाते हैं। दोस्तों खुद ही खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। बाहर से अगर मोटिवेशन मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन हर समय बाहर से मोटिवेशन मिलेगा ही इसकी कोई गारंटी नहीं। और इसके लिए जो सक्सेस माइंडेड लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो खुद ही खुद को मोटिवेट करते हैं, वो खुद ही खुद को प्रोग्रेस की राह पर रखने की कोशिश करते हैं। कई सारे टेक्निक्स हैं दोस्तों, अगर आप भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक सिखाने के लिए बुलाना चाहते हैं तो आई विल डेफिनेटली टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल शेयर दिस टेक्निक्स विद यू। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। अगर आप मोटिवेशन इस वर्ड को देखें तो मोशन एंड एक्शन ये दो वर्ड इसमें समाये हुए हैं। तो जो खुद ही खुद को मोशन में लाते हैं, जो खुद ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भी ये कहा गया है, कर्मण्य वालिका रस्य, जो कर्म के ऊपर फोकस रखते हैं, जो एक्शन के ऊपर फोकस रखते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। और इसके लिए दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक सीखना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना, खुद ही खुद को मोटिवेट करने के प्रोसीजर सीखना ये बहुत जरूरी है। और जो लोग सक्सेस माइंडेड होते हैं, जो लोग अपने जिंदगी में एक्सेलेंस को अचीव करते हैं, अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में जो आगे बढ़ते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन ये भी जिंदगी में सुपरस्टार बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और इसके लिए दोस्तों आप भी सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक से सीखिए, खुद ही खुद को बुलंद बनाइए। ऐसा कहते हैं, खुद ही कर खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप खुद को इतना बुलंद बनाइए कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। और दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए, अगर कभी एक दरवाजा बंद हो जाता है तो 10 अपॉर्चुनिटी के दरवाजे ये खुलते हैं। और इसके लिए दोस्तों सेल्फ मोटिवेटेड रहना, एंथुसियास्टिक रहना, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहना, लाइफ के प्रति प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, जिसे RMA राइट मेंटल एटीट्यूड कहते हैं। इस प्रकार से खुद का एटीट्यूड ये प्रोग्रेसिव रखते हुए सक्सेस माइंडेड लोग अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में एक्सेलेंस को अचीव करते हैं। हेंस सेल्फ मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स। We'll be right back.
जो अगली लाइफ सुपरस्टार्स क्वालिटी है और वो इस प्रकार है, फेथ। दोस्तों जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो खुद के ऊपर फेथ रखते हैं, अपने टीम मेंबर्स के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर फेथ रखते हैं। दोस्तों फेथ के कई सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं। एक डेफिनेशन ऐसा है, यू डू व्हाट यू लव एंड यू लव व्हाट यू डू। फेथ का और एक ऐसा मतलब है, आप अनकंडीशनली एक चीज के ऊपर पैशनेटली प्यार करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो फेथ रखते हैं। ऐसा कहते हैं, इट इज नॉट व्हाट दे सी एंड बिलीव, इट इज व्हाट दे बिलीव एंड देन दे सी इन द वर्ल्ड। जो फेथ रखते हैं लोग वो देख के फेथ नहीं रखते, उनके फेथ के वजह से वो चीज दुनिया में या वो वस्तु या वो इमेज वो दुनिया में देख सकते हैं। और ऐसा भी कहते हैं, इफ यू बिलीव देन यू कैन सी और यू कैन क्रिएट इफ यू डोंट सी। ऐसा कहते हैं, अगर आप में फेथ है और वो इमेज अगर आप वर्ल्ड में नहीं देखते हैं तो आप वो उसको क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों फेथ ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्वालिटी है। ऐसा कहते हैं, फेथ कैन सी द अनसीन एंड अचीव द अनअचीवेबल। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, फेथ ये इंपॉर्टेंट चीज है। फेथ का और एक ये मतलब ऐसा होता है, यू लर्न यू स्टडी यू प्रैक्टिस एंड यू टीच। तो ये भी फेथ का एक मतलब होता है। फेथ का और एक ऐसा मतलब होता है PDR, या जिसे हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस ड्रिल एंड रिहर्सल। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जो लोग अपने पर्सनल प्रोफेशनल फैमिली एंड सोशल लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं वो खुद के ऊपर फेथ रखते हैं। भगवद गीता में भी ऐसा कहा गया है, संशय आत्मा विनश्यन्ति। जो खुद को आत्म संशय भाव से देखते हैं, जो खुद के एबिलिटी के ऊपर संशय रखते हैं, जो सेल्फ डाउट में उलझे हुए हैं, वो लोग एक्सलेंस को या सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। और इसके लिए दोस्तों खुद के ऊपर फेथ होना, खुद के एबिलिटीज के ऊपर फेथ होना, प्रोग्रेस के ऊपर फेथ होना, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने टीम के ऊपर फेथ होना, ये बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है, जो लोगों में फेथ होता है वो अपने पर्सनल प्रोफेशनल फैमिली एंड सोशल लाइफ में इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स ये आगे बढ़ते हैं और एक्सेलेंस को अचीव करते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी ये क्वालिटी है फेथ, और वो हमें डेवलप करके हमारे जिंदगी में सक्सेस को और एक्सेलेंस को अचीव करना है। जो अगली लाइफ सुपरस्टार क्वालिटी है और वो इस प्रकार है, लिसनिंग। दोस्तों कई बार ये देखा गया है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, प्रॉब्लम को अगर शांति से ये लिसन किया जाए, सुना जाए, तो अपने आप उसमें से रास्ते ये निकलते हैं। दोस्तों संस्कृत में विद्वान को या होशियार व्यक्ति को एक वर्ड है जिसे कहते हैं बहुश्रोता, बहुतों को सुना हुआ। और इसके लिए दोस्तों आप भी बढ़िया से बढ़िया लेक्चर प्रोग्राम से अटेंड करिए, बढ़िया से बढ़िया किताबें पढ़िए, बढ़िया से बढ़िया ऑटोबायोग्राफीज देखिए, पॉजिटिव और सक्सेस माइंडेड लोगों के साथ रहिए, और उस वजह से अच्छा सुनने की ये काबिलियत बढ़ती है। आप अच्छे प्रोग्राम सुनिए, सेलिंग स्किल्स को बढ़िया बनाइए, खुद के एबिलिटीज को बढ़िया बनाइए, अच्छी बातें सुनकर अच्छे मंत्रों का उच्चारण करके भी आप आपके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों ध्यान में रखिए, ऐसा कहते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो बहुश्रुता यानी बहुतों को सुने हुए रहते हैं। लिसनिंग की और एक ऐसे डेफिनेशन हो सकती है जिसे हम लोग स्थिरता ये कहेंगे। कई बार लोग कई सारे चीजों में उलझ जाते हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स में उलझ जाते हैं, जिस वजह से माइंड की जो एकाग्रता है, जो स्थिरता है, जो ध्यान है, वो हट जाता है। और इस माइंड की स्थिरता को खोने के वजह से वो लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते या किसी एक मकाम पे नहीं पहुंच सकते। और इसके लिए दोस्तों स्थिरता रखना, माइंड को स्थिर रखते हुए सुनने की एबिलिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है।
जैसे मैंने कहा, मैंने करीबन 250 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की हुई है। मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाके सेलिंग स्किल्स के पढ़ाता हूं, और ये मेरे सेल्स के एंडेवर के दौरान भी मैंने कई सारे सक्सेसफुल लोगों को नजदीक से देखा हुआ है, और मैंने ये देखा हुआ है कि उनमें सुनने की बहुत अच्छी कैबिलियत होती है, नए आइडिया के प्रति वो ओपन माइंडेड होते हैं। अगर कोई लोग उन्हें कहते हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपका सेल्स हम बढ़ा सकते हैं, तो वो सुन के लेते हैं, उनके माइंड में सुनने के लिए बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, सुनना, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। सुनने का और एक ऐसा मतलब हो सकता है अच्छे क्वेश्चंस पूछना। देखिए, इट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ आंसर, बट इट इज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन विच जनरेट्स द क्वालिटी ऑफ आंसर। तो अच्छे सवाल पूछना ये भी एक साइंस है, ये भी एक आर्ट है। तो अच्छे सवाल पूछ के क्लाइंट के मुंह से इंफॉर्मेशन को ये ग्रहण करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना, ये भी बहुत जरूरी है। और सेलिंग स्किल्स में भी सुनने की एबिलिटी को ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कहा जाता है। और इसके लिए दोस्तों लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ सक्सेस माइंडेड इंडिविजुअल्स। और कई बार लिसनिंग की वजह से दूसरों को जब हम लोग लिसन करते हैं तो अपने भी खुद के भी पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ के प्रॉब्लम्स को आंसर ये मिलते हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि नेचर ने, ईश्वर ने हमें एक जबान दी है और दो ये ईयर्स दिए हैं, दो कान भगवान ने हमें दिए हैं, और हमें उसे इस प्रोपोर्शन में ही इस्तेमाल करना जरूरी है। 2:1 मतलब दो ईयर है 2 and 1 mouth is 1। तो लिसनिंग शुड बी ऑलवेज ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस देन व्हाट यू आर सेइंग टू अदर पर्सन। एंड देयरफॉर दोस्तों लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्वालिटी है। जो लोग अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो लिसनिंग के ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं, वो शार्प एंड एक्यूट लिसनर होते हैं। और दोस्तों इसके लिए ये लिसनिंग की क्वालिटी भी हमें हमारे में ढाल के हमारे जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जो अगली लाइफ सुपरस्टार क्वालिटी है और वो इस प्रकार है, लीडरशिप। दोस्तों लीडरशिप ये भी सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्वालिटी है। दोस्तों ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यहां पे जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जो लोग सक्सेस माइंडेड होते हैं, जो लोग अपने जिंदगी में सक्सेस को अचीव करते हैं, उनमें लीडरशिप की भी कई सारी क्वालिटीज ये होती है। एक क्वालिटी लीडरशिप की ऐसी है कि वो एक कॉज देते हैं, वो मॉरली, इमोशनली एंड रैशनली एक कॉज पैदा करते हैं और उस कॉज को जिले दा से ये चाहते हैं, और उनके टीम मेंबर को भी उस कॉज के प्रति वो उतना ही चार्ज रखते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे इतना ही कहूंगा कि लीडरशिप ये भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और जो लोग अपने जिंदगी में सुपरस्टार बने, अपने जिंदगी में पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में जिन्होंने एक्सलेंस को अचीव किया, वो लीडरशिप क्वालिटीज उनमें डेवलप करते हैं। लीडरशिप की क्वालिटीज होती है जैसे सपोर्ट करना, लीडरशिप की क्वालिटीज है जैसे एम्पथी एंड सिंपथी, लीडरशिप की क्वालिटीज है जैसे मॉरल ग्राउंड क्रिएट करना, लीडरशिप की क्वालिटीज है जैसे पॉजिटिवली सपोर्ट करना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना। तो कई सारी ऐसी जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं ये खुद में डेवलप करते हैं, और जिस वजह से उनका जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होता है, और जिस वजह से वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप का एक मतलब ऐसा भी होता है कि जिंदगी में आने वाले दुखों से भी सीखना। लीडर्स जो है वो डिस्ट्रक्शन में भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो डिजास्टर्स में भी प्रोग्रेस करते हैं, और इसके लिए दोस्तों लीडरशिप की क्वालिटी जो है, मॉरल, लॉजिकल एंड रैशनल ग्राउंड डेवलप करने की जो क्वालिटीज है, ये सक्सेस माइंडेड लोगों में होती है। और इसके लिए दोस्तों मैंने कई सारे सक्सेसफुल लीडर्स को नजदीक से देखा हुआ है, और ये मैंने देखा है कि उनमें एक काबिलियत होती है जिस वजह से लोगों में वो एक कॉज पैदा कर सकते हैं, और जिसको वो दिलो जा से
ये चाहते हैं और उस कॉज को परसीव करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, लीडरशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू अचीव सुपरस्टार लाइफ स्टेटस। सुपरस्टार क्वालिटी है वो इस प्रकार है, डिसिप्लिन। दोस्तों जो लोग अपने जिंदगी में सक्सेस और एक्सेलेंस को अचीव करते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं। एंगर मैनेजमेंट के प्रति डिसिप्लिन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रति डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट के डिसिप्लिन वो डेवलप करते हैं। लीगली वो डिसिप्लिन होते हैं, लीगल नॉलेज वो लोग लेते हैं अपने प्रोफेशन को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कौन से लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो डिसिप्लिन वो डेवलप करते हैं। फाइनेंशियली वो डिसिप्लिन होते हैं, उनकी बजटिंग बहुत अच्छी होती है, उनके कैश फ्लो, उनके फंड एलोकेशन बहुत ही बढ़िया होते हैं। और दोस्तों ये देखा गया है जो लोग जिंदगी में डिसिप्लिन रहते हैं, डिसिप्लिन का और एक मतलब ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं कि जो हमें पसंद है वो तो चीज बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो चीज पसंद की नहीं है वो भी अगर करनी पड़ी तो भी एक डिसिप्लिन से, एक तरीके से शेड्यूल अप्रोच से उसे करना, इसे भी हम लोग डिसिप्लिन कहेंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जो लोग अपने जिंदगी में पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में एक्सेलेंस को अचीव करते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं, और अपने डिसिप्लिन वो अपने टीम मेंबर में भी इंकल्केट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, एक शेड्यूल अप्रोच, एक तरीके का पैटर्न अप्रोच वो डेवलप करते हैं और इस पैटर्न को वो इवॉल्व करते हैं, सुधार करते हैं और आगे लेके जाते हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है या व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसका डेफिनेशन ऐसा है, डूइंग ऑर्डिनरी थिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी थिंग को हम लोग जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये बनती है, या ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो उसका आंसर ऐसा है, हाउ वेल यू कैन डू द ऑर्डिनरी थिंग्स। तो दोस्तों अच्छी चीज को करने के लिए, बेहतर करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों जो पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जो लाइफ में सुपरस्टार बनते हैं, अपने खुद के जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग डिसिप्लिन होते हैं। तो सक्सेस माइंडेड बनने की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और वो है डिसिप्लिन। जो अगली लाइफ सुपरस्टार क्वालिटी है वो इस प्रकार है, स्माइल। दोस्तों ऐसा कहते हैं, एतद् ज्ञानेन सर्वज्ञानानि भवेत्। ऐसा क्या है जो जानने से सब जाना हुआ सा होगा, और उसका आंसर है, आत्मज्ञानेन सर्वज्ञानानि भवेत्। खुद को जानने से ही सब कुछ जान लिया सा होगा। और दोस्तों ऐसा कहते हैं, जो खुद को जान लेते हैं वो स्माइल रखते हैं, उनके फेस के ऊपर एक इंटेलिजेंट लोगों की स्माइल होती है। तो दोस्तों आप भी आपके जिंदगी में मुस्कुराइए और हंसिए। कई सारे बार मुस्कुराने की वजह से प्रॉब्लम्स ये डिसॉल्व हो जाते हैं, प्रॉब्लम से पजल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से आप उसे सॉल्व करने की काबिलियत को बढ़ाते हैं। मुस्कुराने की वजह से हमारे ब्रेन में
एंडोर्फिन्स नाम के जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं वो बनते हैं, जिस वजह से वाइटलिटी, स्ट्रेंथ, एंथुसियाज्म बढ़ता है, इवन डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ती है, ऐसा साइंस हमें बताता है। तो दोस्तों मुस्कुराना बहुत जरूरी है और मुस्कुराने की वजह से, स्माइल की वजह से आप बहुत खूबसूरत दिखते हो और आप आपके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग सक्सेस को अचीव करते हैं वो स्माइल के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो मुस्कुरा सकते हैं, वो खुद को मुस्कुरा सकते हैं, खुद के ऊपर मुस्कुरा सकते हैं, वो औरों के गलतियों को मुस्कुरा के माफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट सुपरस्टार क्वालिटी। और अगर हमें हमारे जिंदगी में पर्सनल, प्रोफेशनल एंड फैमिली एंड सोशल लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो स्माइल रखते हुए, मुस्कुराते हुए, इंटेलिजेंट लोगों की स्माइल ये फेस के ऊपर रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। दोस्तों स्माइल करने के लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं तो आप जहां पे काम करते हैं या आप जहां पे बैठते हैं या आप जहां पे आपका मेजर टाइम बिताते हैं उसके आसपास आप एक आईना रखिए और कोशिश ये करिए उसमें देख के आप स्माइल की प्रैक्टिस को बढ़ाइए। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, स्माइल ये भी प्रैक्टिस से आपको सीखनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए दोस्तों स्माइलिंग फेस रखना, एक इंटेलिजेंट लोगों की स्माइल रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग अपने जिंदगी में एक्सलेंस को अचीव करते हैं वो स्माइल ये रखते हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, दुनिया के सब सुख अगर मिलके भी मुंह के ऊपर अगर स्माइल नहीं है तो वो सुख होके भी कुछ फायदा नहीं है। और इसके लिए दोस्तों स्माइल रखना जिंदगी में आने वाले मुस्कुराते हुए प्रॉब्लम्स को भी हम लोग फेस करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स को भी मुस्कुराते हुए फेस करना ये बहुत जरूरी है। और मुस्कुराने की वजह से प्रॉब्लम जो है ये पजल में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप आपके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, मुस्कुराना, स्माइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सुपरस्टार। इस प्रकार आज हमने 11 लाइफ सुपरस्टार्स क्वालिटीज ये लेक्चर प्रोग्राम समझने की कोशिश की। दोस्तों आप सक्सेस माइंडेड हो, आप सभी में आगे बढ़ने में और आगे बढ़ने के लिए एक जुनून है। दोस्तों इसकी वजह से आपने ये पूरा लेक्चर प्रोग्राम सुना। दोस्तों प्रेजेंट और फ्यूचर आप जैसे सक्सेस माइंडेड लोगों का ही है। दोस्तों मैं आपके हृदय के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। दोस्तों ये ध्यान में रखना जरूरी है, जो नंबर्स मैंने यहाँ पे दिए थे वो रैंडम नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है पहली क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आखिरी क्वालिटी ये कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो एक इंसान को जिंदगी का सुपरस्टार बनाती है और उसमें से 11 क्वालिटी आज मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाके ग्रुप्स के लिए और एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मैनेजर्स के लिए और जो टीम मेंबर्स हैं उनके लिए सेलिंग स्किल्स के लेक्चर प्रोग्राम्स ये कंडक्ट करता हूं। अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सेलिंग स्किल्स के ऊपर के लेक्चर प्रोग्राम अगर कंडक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप गूगल में जाके www.google.com पे जाके मेरा नाम टाइप करिए, PROF.SWAPNEE, professor.swapnil। अगर आप ये गूगल में जाके टाइप करते हैं तो आपको मेरे बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे, आप किस प्रकार से आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेरे सेलिंग स्किल्स के ऊपर के लेक्चर ये कंडक्ट कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर्स एंड ट्रेनिंग के डिटेल्स भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर भी शेयर करता हूँ, माय मोबाइल नंबर इज 9322298390। मैं वापस कहता हूं, माय मोबाइल नंबर इज 9322298390। दोस्तों अगर मैं लेक्चर प्रोग्राम में बिजी रहूं और आपका आपका जो कॉल है अगर मैं उठा नहीं पाऊं तो प्लीज आप बुरा मत मानिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन करते हैं। और इसके लिए दोस्तों
आप मुझे थोड़े समय के बाद अगर फोन करेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, अगर लेक्चर प्रोग्राम की वजह से आपका मैं फोन उठा नहीं पाया तो आप कृपा करके थोड़ा देर के बाद फोन करिए। आप प्लीज बुरा मत मानिए, ये हाथ जोड़ के आप सभी को मैं विनती करता हूँ। दोस्तों मेरा ईमेल आईडी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा ईमेल आईडी है prof.swapnwl@gmail.com। तो दोस्तों आप गूगल में जाके मेरा नाम टाइप करिए और कई सारे लेक्चर प्रोग्राम्स आपको ये समझने को मिलेंगे, और मुझे ये पूरा फेथ है आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो लेक्चर प्रोग्राम्स भी आपको बहुत काम आएंगे। दोस्तों आप सबके प्रोग्रेस की मैं ईश्वर के चरणों में मनोकामना करता हूँ। दोस्तों आप सक्सेस माइंडेड हो, आपके अंदर आगे बढ़ने के लिए जो जुनून है उसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसे मैं सैल्यूट करता हूँ, और आपके जिंदगी में बहुत आगे बढ़े ये ऊपर वाले के चरणों में मैं विनती करता हूँ। दोस्तों आपने ये सभी लेक्चर प्रोग्राम ये सुना, इस वजह से आपका वापस शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके दिल में अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए अभी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।